ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक के पे जाने से पहले हमने आपको दिखाया संडिला विधानसभा क्षेत्र के भरावन ब्लॉक की स्थिति, भरावन ब्लॉक में विकास कितना हुआ है, लोगों की क्या राय है। अब इस वक्त हम खड़े हैं संडिला ब्लॉक के मलेरा कस्बे में। मलेरा यहाँ कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं इस क्षेत्र में विधायक जी ने पिछले 5 सालों में कितना विकास कार्य किए। आप बताए विधायक जी ने क्षेत्र में क्या कोई काम अभी तक देखा तक नहीं, यहाँ घूम के वापसी जब से जीत के गए हैं जब वापसी नहीं आए। सड़क की क्या स्थिति है? सड़क तो इतनी जर्जर है कि कोई कुछ पूछो नहीं कि आदमी गिर जाए, अगर कोई बैठा हो लेडीज पीछे बैठे हो पता नहीं चलेगा गिर गई कि चली गई। अच्छा बिजली इस क्षेत्र में कितनी आती है? बिजली इस क्षेत्र में बिजली की क्या स्थिति है? बिजली के ठीक ठाक आती है, समय आ रही है, इस समय आ रही है। गर्मियों में बहुत दिक्कत बिजली, गर्मियों में किल्लत थी, बहुत दिक्कत। अच्छा विधायक जी से मुलाकात हो पाती है? आप लोग जाते हैं विधायक जी से मुलाकात हो पाती है नहीं हो पाती है आप लोगों? 5 साल में एको बार मुलाकात नहीं हुई है। 5 साल में एको बार मुलाकात नहीं हुई है। तो फिर आप लोगों की समस्याएं कौन सुनता है? यहाँ के राजा साहब सुनते हैं सब, जो हमारे सुख दुख में सब प्रमुख जी कुंवर वीरेंद्र सिंह राजा मलेरा, हम लोगों की बहुत ख्याल रखते हैं। आप बताएं क्या क्या क्षेत्र में विकास कार्य हुए? कोई विकास कार्य ऐसा बताइए जो हुआ हो, कोई काम ऐसा। अब क्षेत्र में कुछ विकास जब हुए नहीं तो बताना क्या है, कुछ नहीं विकास हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ 5 सालों में, बिल्कुल एक रुपए का नए पैसे का विकास नहीं हुआ। अगर हुआ हो तो विधायक जी आके बतावे सामने क्या हुआ काम, 10 पैसे का भी काम तो नहीं हुआ यहाँ। पूरे मलेरा गांव या आसपास किसी काम ही नहीं हुआ 5 साल। मलेरा ग्राम सभा में एक नए पैसे का काम विधायक जी की निधि से नहीं हुआ है। कोई सौर ऊर्जा हैंडपंप सड़क नहीं, दो नए, जब एक नए पैसे काम नहीं तो सौर ऊर्जा तो काफी पैसे का आता है। अच्छा ये यहाँ पे जो दैवी आपदा या जो और फसलों को नुकसान हुआ था उसके चेक या कुछ इस तरीके का कुछ मिला हो? कुछ नहीं मिला, और अगर मिला है तो वो हमारे कुंवर साहब हैं जो दौड़ धूप मेहनत जैसे भी हो सकता अगर कर पाते हैं तो करते हैं, बाकी सरकार या विधायक की तरफ से कुछ भी नहीं। हम इस वक्त खड़े हैं कानपुर उन्नाव संडिला होते हुए सीतापुर के धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य जाने वाली सड़क पर। ये संडिला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़क आती है। इस सड़क का हाल आप देख सकते हैं क्या स्थिति है, पूरी सड़क का कमोबेश यही हाल है जैसा आप यहां देख सकते हैं, जगह जगह गड्ढे, पूरी सड़क जर्जर। पिछले 5 सालों में इस सड़क पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्षेत्रीय विधायकों, अन्य जनप्रतिनिधियों, सांसदों, किसी ने भी इस सड़क पर ध्यान नहीं दिया। ये सड़क काफी अपने आप में काफी महत्व रखती है, काफी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल को ये सड़क जोड़ती है, उसके बावजूद क्षेत्र का यह हाल है। जनता किस तरीके से सड़क से गुजरती है, रात में इस सड़क से गुजरा नहीं जा सकता है, जगह जगह गड्ढे हैं, उछाल है और कोई संसाधन नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं संडिला ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख समाजवादी नेता कुंवर वीरेंद्र सिंह जी, इनसे और जिला प्रमुख संघ के अध्यक्ष भी है। हम इनसे जानेंगे कि विधायक जी ने इस क्षेत्र में या इस ब्लॉक में कितना विकास कार्य किया। जी बताएं विधायक जी ने क्षेत्र में कितना विकास कार्य किया। विधायक जी ने तो हमारे संडिला ब्लॉक को बिल्कुल अछूता कर दिया, यहाँ तो कुछ काम ही नहीं किया उन्होंने। भले ही भरावन में कुछ किया हो उनका, क्योंकि उनका गांव है, घर है, द्वार है, तो यहाँ तो हमारे संडिला में कुछ नहीं किया। हमारी ग्राम सभा में एक लाइट, एक नल, एक कोई भी काम नहीं किया इन्होंने, और न्याय पंचायत भर में कोई काम नहीं किया है। लेकिन इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं सोचा कि यहाँ की ग्राम सभा जो है संडिला की, जो भी ग्राम सभा कहीं कहीं ना कहीं कुछ होता, लेकिन कोई भी कुछ नहीं किया। हम लोग बहुत दुखी हैं, यहाँ की जनता बहुत दुखी है, और इसी तरीके जैसे हमारे दिल में दर्द है लोगों के प्रति बहुत दर्द है। सड़कों के हाल बहुत ख़राब है। आप कानपुर से चले, कानपुर से उन्नाव होते हुए संडिला होते हुए ये रोड जाती है सीतापुर, और तीर्थ स्थल, धार्मिक तीर्थ स्थल है नैमिष को ये सड़क जाती है। इस सड़क का हाल देखिए, इस सड़क पे अब तक कोई कार्य नहीं हुआ, इसके लिए आप लोगों ने कुछ अपने स्तर से नहीं किया कुछ? हम लोगों ने इसको लिख के दिया है, और इसको जिला की मीटिंग जब होती है हम लोगों की, ब्लॉक प्रमुखों की, तो उसमें भी हम लोगों ने दिया है, और अभी पिछले बार ये प्रेस वार्ता हुई थी उसमें भी हमने कहा था कि ये जो संडिला से और ये कुथावा मार्ग जो जाता है बहुत जर्जर हो गया है। कई इसके लिए विधायक जी ने कोई प्रयास नहीं किया?
विधायक जी करते तो क्या कुछ नहीं उन्होंने किया, अगर जो वही करते तो क्षेत्र के विधायक थे उनकी सुनवाई होती, समाजवादी पार्टी के थे तो जरूर सुनी जाती, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कहना। क्या वजह रही जो उन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किए क्षेत्र में? कहा जा रहा है कि भरावन में, लेकिन भरावन की स्थिति भी कमोबेश यही हाल भरावन का भी। हमारे समझ में तो यहाँ तो कुछ नहीं हुआ सड़कों का। हमने पिछले बार भी लूमा मऊ रोड जो है, ये बेनीगंज रोड से जाती है लूमा मऊ और महंगवा, ये इतनी ख़राब रोड है कि इस पे चलना दुभर हो गया है। अगर जो कोई बीमार हो जाए तो 2 घंटे लगते हैं लूमा मऊ से यहाँ आने, लेकिन यहाँ करने वाले लोग जो हैं, जो जिनके ऊपर दारोमदार और विश्वास है कि मुख्यमंत्री का, वो लोग नहीं कुछ ध्यान दिए, इसे यही कारण है कि यहाँ का विकास नहीं हो पाया। फसल नुकसान, ओलावृष्टि, दैवीय आपदा का पैसा जो है किसानों को आप कह रहे हैं मिल रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में वो भी नहीं मिला है। नहीं, ऐसा है कि किसानों को तो जो है जो सूची यहाँ तहसील से बनी, लेखपाल लोगों ने बनाई, उसके आधार पर मिला। अब ये जरूर है जैसे 200 काश्तकार हैं, 200 काश्तकार का बजट आया है, तो 200 काश्तकार के बजट में 100 का भी मिल गया था, 100 का भी और मिलना बाकी, तो वो भी मिल रहा है, चेके बन रहे हैं, हमारे यहाँ भी चेके जारी हो रहे हैं, तो ये तो खैर काम होगा। लेकिन इसमें भी अगर जो इंटरेस्ट लेते विधायक तो ये 100% पूरा हो जाता, लेकिन ये इंटरेस्ट ना लेने से, विधायक का इसमें कोई रोल ना होने से, एक तो वो आते ही नहीं, लखनऊ में अपना पड़े रहते हैं, तो इस नाते से विकास का जो भी मुद्दा है, जो गरीबों को जो हक पर बीज खाद भी मिलनी थी वो भी नहीं मिल पा रही है, और किसानों को पानी, नहर का पानी भी अभी तक नहीं छोड़ा गया है, तो ये सब किसान ये सब उठाते हैं विधायक लोग कि हमारे क्षेत्र में नहरों में पानी नहीं, रजबाहा में जो है सफाई नहीं, तो वो सब कुछ हुआ नहीं। हम लोग ब्लॉक प्रमुख होने के नाते जो हमसे बन पड़ता है, हम जिले पे आवाज उठाते हैं, कहते हैं, कुछ होते भी रहते हैं, पानी वानी, नहरों की सफाई वफाई की सब कुछ थोड़ा बहुत तो हो जाता है जी। बिल्कुल, आपने देखा जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं और ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष हैं, संदिला ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं, साफ तौर पर इनकी भी पीड़ा वही है जो जनता की पीड़ा है कि क्षेत्र में विधायक जी आते नहीं है, क्षेत्र में विकास कार्य किए नहीं है, क्षेत्र की हालत दयनीय है। अब जनता का क्या रुख रहता है ये आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा। हम इस वक्त खड़े हैं संदीला विधानसभा के संदीला तहसील में। विधानसभा में चुनाव के दौरान वादे बहुत हुए, पूरे कितने हुए ये आपने अभी तक देखा। अब इस वक्त हमारे साथ हैं अधिवक्ता समिति के अध्यक्ष जी और यहाँ पे कुछ अधिवक्ता, उनसे जानते हैं कि क्या मुद्दे, क्या मांग रही हैं और क्या वादे हुए थे, कितना पूरे हुए ये बताएं। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान जो विधायक जी ने वादे किए थे, क्या उनमें से कुछ पूरे हुए? उनके कोई भी वादा आज तक नहीं पूरा हुआ। जो भी वादे किए थे, कोई जो है अधिवक्ता संघ के मुंशिफ लाने के लिए कहा था, ग्राम न्यायालय के लिए भी प्रयास के लिए कहा गया, लेकिन जो है कोई वादा नहीं पूरा किया। मुंसिफ न्यायालय के लिए तमाम कोशिशें की गई, कई बार यहाँ पे सर्वे हुआ, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट रहा अब तक? मुंसिफ न्यायालय के लिए धरना प्रदर्शन सब कुछ किया गया, कोशिश भी की गई, लेकिन आज तक उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ। हालांकि हमारी हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल है, लेकिन वो भी पेंडिंग है, अभी तक की कोई उसमें कार्रवाई आगे की दिखाई नहीं दे रही है। इस तहसील की एक बहुत बड़ी मांग रही है मुंसिफ न्यायालय की, जो अभी तक नहीं पूरा हुआ। चुनाव के दौरान काफी वादे हुए थे, लेकिन उनमें से कोई वादा पूरा होता दिख नहीं रहा है। मौजूदगी की क्या स्थिति रही क्षेत्र में, आने की उनकी उपस्थिति की क्या स्थिति रही? क्षेत्र में कभी कभी बताते हैं शुक्रवार को आते हैं, लेकिन अब उनके लड़के आते हैं वो तो कभी दिखाई नहीं पड़ते, क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ते हैं जी। बिल्कुल, कुछ और लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे जानेंगे। अच्छा, यहाँ की सबसे बड़ी मांग क्या है? सबसे बड़ी मांग हम लोगों की ये है जनहित में वादकारियों के लिए कि मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की जाए। लगभग 21 साल हो गए हैं, आमरण अनशन किए गए, धरना प्रदर्शन किया गया, रोड जाम किया गया, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी हैं, वो चुनाव से पहले रथ लेकर आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनी हो, यहाँ से विधायक सपा का जीतता है, तो हम मुंसिफ न्यायालय स्थापित कर देंगे। फिर चुनाव पीरियड में भी आए, उन्होंने वादा किया, आज तक वो भी वादा माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा नहीं हुआ। बराबर हम लोग लिखा पढ़ी कर रहे हैं, शासन स्तर पर भी डीएम से मिले, डीजे साहब से मिले, बहुत लोगों से मिल चुके हैं, अब हम लोग मायूस हो चुके हैं कि मुंसिफ कोर्ट की स्थापना नहीं होगी। और ग्राम न्यायालय, बीच में सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया 10 जिलों के लिए, उसमें भी संदीला था, 6 नंबर पर दर्ज था, लेकिन आज तक ग्राम न्यायालय भी नहीं हुआ,
इसकी रिट 7809 नंबर है, रिट संख्या हाई कोर्ट में पेंडिंग है, ग्राम न्यायालय की स्थापना नहीं की गई। नहीं तो इसके लिए ग्राम न्यायालय या मुंसिप कोर्ट के लिए जो आप बता रहे हैं जिस तरीके से सरकार ने आदेश किया था, तो विधायक जी ने इसमें कोई पैरवी नहीं की है? विधायक जी से आप लोगों ने नहीं कहा? नहीं, ये दो विधायकों का क्षेत्र तहसील संदीला लगती है, माननीय कुंवर महावीर सिंह जी, माननीय अनिल वर्मा जी, दोनों विधायकों ने कोई पैरवी नहीं की, कोई जनता के हित में कोई काम नहीं किया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं लोगों का सीधा आरोप है कि क्षेत्र में आते नहीं है, उनका जनता से विधायक जी का कोई लेना देना नहीं है, चुनाव में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। औद्योगिक क्षेत्र यानी विकास और रोजगार की गारंटी, संदीला विधानसभा इलाके में एक औद्योगिक एरिया भी आता है, काफ़ी बड़ा औद्योगिक एरिया है, उस क्षेत्र से कितना क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को रोजगार कितना मिला है और क्या समस्याएं रही हैं, कुछ लोग हम उनसे जानेंगे। आप बताएं क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र है, पिछले 5 सालों में रोजगार के क्या अवसर उपलब्ध कराए गए हैं, विधायक जी ने क्षेत्र में क्या उपलब्ध कराए? विधायक द्वारा कोई भी रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, और जो यहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हैं प्राइवेट स्तर पर लगी हुई हैं, लोग अपने अपने लोगों को नौकरी पर रखे हुए हैं जो बाहर के लोग हैं। यहाँ फैक्ट्री एक थी सूत मिल जो बंद हो गई है, सेफिस्ट कंपनी चल रही, उसमें भी बहुत लोकल क्षेत्र के लोगों को कोई विशेष बेनिफिट नहीं मिला है, और विधायक द्वारा तो कोई प्रयास ही नहीं किया गया। इस क्षेत्र का विकास संभव नहीं हो सका और वो टोरन कंपनी ने अपनी वो परियोजना वापस ले ली, और यहाँ पर एक लेदर क्लस्टर की स्थापना के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया गया, जिससे इस क्षेत्र की जनता को रोजगार तो कम ही अवसर मिलते, लेकिन क्षेत्र में बदबू और जो जलवायु और प्रदूषण जरूर मिलता, इतना जरूर हुआ। मतलब बिल्कुल, ये कहने का मतलब आपके है कि जो 1320 मेगावाट बिजली पावर प्लांट था उससे जाने से यहाँ क्षेत्र को काफ़ी नुकसान हुआ है। हाँ, अगर वो प्लांट लग जाता तो क्षेत्र का विकास होता, रोजगार के अवसर उपलब्ध होते और प्रदेश का भी विकास होता। संडीला विधानसभा क्षेत्र की जनता ने सपा विधायक कुंवर महावीर सिंह के कार्यों को लेकर नाराजगी जताई है। सड़क, बिजली, पानी और साफ सफाई के मसले पर जनता में कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। यहां की जनता मानती है कि संडीला विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य न के बराबर हुए हैं। जगह जगह टूटी पड़ी सड़कें और जलभराव से यहां की जनता का बुरा हाल है। शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था का हाल भी बेहाल है। वहीं अगर बिजली की बात करें तो यहां की जनता बताती है कि बिजली के खंभे तो गड़े हैं लेकिन बिजली के तार नहीं लग पाए हैं। यानी कोई मिलाकर देखा जाए तो सपा विधायक कुंवर महावीर सिंह जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाए। पिछले 5 वर्षों में संडीला विधानसभा में जो विकास की बयार आनी चाहिए थी वो शायद कहीं दूर रह गई। विकास की बात जो रही जनता ने अपने विधायक पर जो भरोसा जताया था उस पर विधायक कुंवर महावीर सिंह खरे नहीं उतर पाए। तो आपने देखा किस तरीके से यह संदीला विधानसभा का हाल है, चाहे भरावन ब्लॉक हो चाहे संदीला ब्लॉक हो, सड़कों की स्थिति क्या है, बिजली पानी की स्थिति क्या है और स्वास्थ्य शिक्षा की स्थिति क्या है, सारी चीज़ें आपने देखी। एक अजीब हाल है इस विधानसभा का, किसी ने सच ही कहा है, कैसे हो भरोसा, किस पर करे यकीन, रोज़ यहाँ नए मुखौटों में मिलती है जिंदगी। कैमरा पर्सन मनोज कश्यप के साथ एस एम अखिल, प्राइम न्यूज़, हरदोई।